जैसे भैया यहाँ पे हाउस बोट्स लेनी हो रेंट पे जी, तो क्या कौन कौन सी है हाउस बोट? ये देखो जिमनी भी है, न्यू मैनहट्टन है, अच्छा अंताना है, कोलंबो है, गोल्डन लिली है, न्यू गोल्डन लिली है, ये सब है। ये सब हाउस बोट्स है यहाँ रहने के लिए। रात को नाइट स्टे हो जाता है इनमें? नाइट स्टे हो जाए, टू डेज हो जाए, थ्री डेज हो जाए, हो जाए। तो रेंट कितना होता है इनका वन नाइट का? कम से कम 4,000 हो जाएगा इसका। हाँ जी, 4,000 वन नाइट के लिए। वन नाइट, अच्छा। हीटिंग वाला काम है। और ब्रेकफास्ट और डिनर भी होता है? नहीं, उसमें तो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अच्छा, और होटल कौन कौन से है भैया यहाँ पे? होटल इधर परी महल है, विंटेज है, अच्छा, और बहुत से होटल है यहाँ पे। यहाँ डल लेक पे ही है ये सब होटल? डल लेक के किनारे से। तो इनका किराया कितना होगा इन होटल्स का? इसका 10,000 है, 6,000 है, 8,000 है, जैसा इसका रूम होगा। रूम होगा उस हिसाब से। उस हिसाब तो उनमें हीटर होते हैं? हीटर की व्यवस्था? हीटर होगा। अच्छा, ये होटल में सेंटर हीटिंग भी हो सकता है? क्या होती है? सेंटर हीटिंग, सेंटर हीटर, सेंटर हीटर। और सेफ होते हैं ये बिल्कुल? वैसे बिल्कुल सारी हाउस बोट्स भी सेफ है और ये भी नहीं, सेफ है? खाली हाउस बोट में बुखारी पे चलता है, लकड़ी पे। अच्छा, उसमें वो नहीं है, सेंटर एसी नहीं है? नहीं, एसी भी है, सेंटर हीटर नहीं है। एसी भी है इसका? एसी तो आप पावर पर डिपेंड होता है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिशियन नहीं होगा तो कैसे चलेगा? तो इसमें बीच में बुखारा होता है, उससे गर्म होता है हाउस बोट? अच्छा, लकड़ी से होता है। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, जब मौका आएगा तो आना यहाँ पे, तो हम आपको दिखाएगा थोड़ा आधा घंटा भी चक्कर लगा के, फिर रोड भी दिखा सकते, विजिट करवा दोगे? ठीक है भैया, थैंक यू भैया।